जल्दी से सारा काम कर लेना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है। ये क्या, मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है, हमेशा मुझे ही इन पत्तों को साफ करने को कहती है। मैंने शिजुका के घर जाने का वादा किया था, अगर ऐसी ही स्पीड रही तो मैं लेट हो जाऊंगा। ये क्या, से चुपके से निकल जाता हूँ। नोबिता, होम, आई एम सॉरी। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओगे? अरे डोरेमोन, यहाँ पर मॉम थी क्या? मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं वॉइस प्रिंट कैंडी चूस रहा हूँ जो कि मॉम की आवाज से बनाई है। वॉइस प्रिंट कैंडी मेकर, चलो अब इस माइक में जल्दी से कुछ बोलो। हाँ, मैं कुछ बोलूँ? लेकिन डोरेमोन, मेरे बोलने से इस पे होगा क्या? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये है तुम्हारा वॉइस प्रिंट। क्या वॉइस प्रिंट? जैसे कि सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे ही आवाजें भी अलग अलग होती हैं। इस मशीन से एक ऐसी कैंडी निकलती है जो खास किसी की आवाज से बनी होती है। ये देखो। मुझे एक बार फिर से जीरो मिला। हे, ये तो मेरी आवाज है। देखा तुमने, मैं किसी की भी आवाज में बात कर सकता हूँ। ये है कैंडी का कमाल, ये तो मजेदार चीज लगती है। हेलो नोबिता, कैसे हो तुम? अरे वाह, लगता है शिजुका आ गई। हाय शिजुका। मैं बस यहाँ से निकलने ही वाला था। कैसी हो शिजुका, आओ अंदर आओ। लेकिन ये आवाज। मेरा नाम नोबिता है। ये तुम क्या कर रहे हो डोरेमोन, प्लीज अपना मुंह बंद रखो, बंद रखो। जो तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है शिजुका, इसने वॉइस प्रिंट कैंडी खा ली है और वो कैंडी मेरी आवाज की बिल्कुल ट्रू कॉपी है। क्या कह रहे हो नोबिता? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ खेलने का वादा किया था, पर मैं आज नहीं खेल पाऊंगी। पर क्यों शिजुका, तू मेरे साथ खेल क्यों नहीं सकती, बताओ मुझे। अभी मुझे रास्ते में जियान मिला था और उसने मुझे ये दिया है। हाँ, ये क्या, जियान का गाना? यानी आ गई मुसीबत। वैसे पता है ये सब कैंडी का कमाल है। क्या? नोबिता की आवाज निकालते निकालते मैं तो उसके जैसी हरकत भी करने लगा। क्यों जा रहे हो? वहाँ जाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, वरना न जाने वो हमारे साथ। क्या करेगा? तुम ठीक कह रहे हो। नहीं नहीं, मैं जियान का गाना बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। कुछ भी हो जाए मैं उसका गाना नहीं सुनूंगा। नोबिता सुनो। हाँ? या फिर एक और आइस एज जिससे सब लोग फ्रीज हो जाए। आइडिया, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, तुम आगे चलो, मैं बाद में आता हूँ। सुनो डोरेमोन, तुम क्या हमें फंसाना चाहते हो, बोलो। नहीं नहीं नोबिता, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चलो मैं बाद में आता हूँ, ठीक है? आप लोगों के इतना रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने एक कॉन्सर्ट करने का फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सर्ट पसंद आएगा। क्या आप सब मेरे साथ हैं? डोरेमोन अभी तक नहीं आया, आखिर वो कर क्या रहा है? अब मैं शुरू करने वाला हूँ, क्या ऐसा कोई है जो यहाँ नहीं पहुँचा? मैं लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ जियान। मैं बस शुरू ही करने वाला था डोरेमोन, तुम मेरा कॉन्सर्ट मिस करने से बच गए। जियान तुम शुरू करो, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम ये कैंडी खा लो, ये तुम्हारी गले के लिए बहुत अच्छी है। ओ अच्छा, तो ये वही कैंडी है। क्या कहा, गले के लिए अच्छी है? तो ठीक है, खा लेता हूँ। बच्चों आज सुनोगे गाना तुम जियान का, ध्यान से सुनना क्योंकि ये है काम बड़े ही ध्यान का, काम बड़े ही। तुम्हें पता है शिजुका, वो कैंडी बहुत अच्छी है। पता है नोबिता, इस कैंडी
कैंडी को ढूंढने में मुझे बहुत मुश्किल हुई। ये एक ओपेरा सिंगर की आवाज है। देना और अगर पसंद आया हो तो ताली थोड़ी बजा देना। तुम्हारे जैसा कोई नहीं गा सकता जियान। तुमने तो आज कमाल ही कर दिया जियान। नहीं ये तो कुछ भी नहीं, वैसे सच कहूँ तो थोड़ी हैरानी तो मुझे भी है। डोरेमोन मुझे लगता है कि मुझे जो कैंडी तुमने दी थी वो काम कर गई। नहीं ऐसी बात नहीं है। वाह बहुत बढ़िया। जब तुम गाना गा रहे थे तो मैंने तुम्हें गाना गाते हुए सुना था। तुम्हारी आवाज बच्चे की तरह नहीं है। आपका परिचय? मैं तुम्हें अपना कार्ड देना चाहता हूँ, ये लो। आप तो प्रोडक्शन कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए गाओ। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम हमारे लिए गाना गाओगे? लगता है आप मेरे पेरेंट्स से बिल्कुल मिल सकते हैं साहब। आइए। ओह मुझे बहुत खुशी है कि हमें जियान के भयानक गानों को नहीं सुनना पड़ा। वैसे पता है ये सब कैंडी का कमाल है। जरा इधर तो देखो, इतनी सारी कैंडीज। अरे डोरेमोन ये क्या है? वहाँ पर सब लोग मौजूद थे और मैंने सबके वॉइस प्रिंट की एक एक कैंडी बना ली। दिखाता हूँ। ये देखो। हेलो नोबिता, मैं हूँ शिजुका। ओ डोरेमोन ये सब तो ठीक है, पर याद रखो मुझे शिजुका की आवाज भी चाहिए। ठीक है तो मैं तुम्हें ये वाली देती हूँ। ये वाली गोली? पर ये तो देखने में अच्छी नहीं लगती। पर कोई बात नहीं। ये किसकी? वो ये तो जियान की आवाज है, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो नोबिता। आइए ये है मेरा गरीब खाना। आइए। ये तुम्हारी आवाज थी? हाँ वो दरअसल क्या है कि वो अच्छा एक काम करो, जो गाना तुमने पहले गाया था उसे फिर से गाकर सुनाओ। प्लीज प्लीज आप यहीं रुकिए, मैं बस अभी आया। इतना काफी नहीं है क्या? बहुत अजीब लग रहा है ना। नहीं अगर जैसा मैं कहता हूँ वैसा नहीं करोगे तो मैं इसी आवाज में गाऊंगा। अच्छा, ठीक है बोलो, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? नोबिता। अरे जियान तुम यहाँ, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने बहुत अच्छा किया जियान। प्लीज डोरेमोन मुझे फिर से वही वाली कैंडी दोबारा दे दो ना। प्लीज डोरेमोन, उस कैंडी में जरूर कोई खास बात थी है ना? जब वो खत्म हो गई तो मेरी आवाज फिर से पहले जैसी हो गई। मुझे वो वापस चाहिए डोरेमोन। लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता। डोरेमोन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बहुत पछताओगे। अच्छा पहले छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम यहीं पर इंतजार करना। क्या हुआ डोरेमोन मुझे बताओ। आपका स्वागत है। पता है नोबिता सब गड़बड़ हो गई। वो ओपेरा शो तो खत्म हो गया और अब कोई दूसरा म्यूजिक शो भी नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ? तो अब तुम क्या करोगे डोरेमोन? हे जल्दी करो, तुम दोनों कर क्या रहे हो? जियान तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाके इंतजार करोगे ठीक है? अरे वाह ये रही और कैंडीज। अरे जियान रुको। थैंक्स, चलो फिर मिलेंगे। डोरेमोन वो किसकी आवाज थी? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा वो किसकी आवाज थी। अरे बेटा मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? सॉरी आपको इंतजार कराने के लिए माफी हूँ। तुम्हारी आवाज फिर से चेंज हो गई। वो ये क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अभी ठीक हो जाए। जो हमारे बीच में बातें हुई थी सब भूल जाओ। अरे रुकिए प्लीज प्लीज रुक जाइए प्लीज। नोबिता। मुझे जियान से कह दो, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। कोई बचाओ, मुझे बचाओ। अब तुम तैयार हो जाओ नोबिता। अरे मॉम यहाँ। अगर तुमने अब नोबिता को मारा तो तुम्हारी कैद नहीं। मुझे माफ कर दीजिए मॉम। अरे डोरेमोन तुम आ गए।
अचानक गायब होने के लिए माफी चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम जियान की मॉम से मिलने गए थे। तुमने बहुत अच्छा किया डोरेमोन। हाँ, मुझे लगा शायद इस वक्त जियान पर उन्हीं की आवाज काम कर पाएगी, और वही हुआ भी। जियान, मुझे